आजकल हमारे भारत में महिला पुरुष का सामान्य अधिकारों का प्रचलन काफी जोरों शोरों से है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देवड़ा समुदाय में एक डिल बस्ती में जहाँ पर एक सदियों पुरानी परंपरा है, जहाँ पर गांव की बहुओं को जो गांव का सबसे महत्वपूर्ण चबूतरा है उस चबूतरे पर बैठने की इजाजत नहीं है। आपके इस चौरे पे किस तरह के नियम है? नियम है हमारे पंच ऊपर बैठते हैं और मेला होती है तो नीचे बैठती है और नेला भैया बहन बेटी ऊपर चढ़ सकती है, बाकी बहू आदमी नहीं चढ़ सकती ऊपर। मेला के पहले ठेठ से नियम है समाज का और ये इसलिए नियम है हमारा तो नहीं चढ़ सकती। समाज के ऐसे कई नियम और कानून है जो को महिलाओं को बुनियादी अधिकारों से वंचित करती है, इसीलिए महिलाएं कुछ नहीं कर पाती। मेला की ये बाबा की तैयारी रहती है, महिला नीचे बैठती है आदमी ऊपर बैठता है, ठेठ परंपरा चल तो है वो यानी साहब के ऊपर मेला नहीं जाती, बहन बेटी रहती होती है ऊपर जाती है। तो जो महिलाएं होती है तो अपनी बात कैसे रखती है पंचायती में? मान मेला ही तो बात कर लेती है, अटी उठी कहे दे हम जा रहे कहे नीचे कोई कोट वाले बन रहे तो बोले नीचे बात करिए कहे दे कि ऊपर ये प्रॉब्लम है या इन प्रॉब्लम है यूँ कहे दे खाली बस ये ऊपर नहीं चढ़े मेले में। जब महिला उस पंचायती चौरे से निकलती है तो पंचायती के सामने महिला चंपल पहन के क्यों नहीं जा सकती? चंपल पहन के लाल धर्म रखती चौरे से लाल धर्म रखे पढ़ने अलावा भाजी दी वो पंच बेटर लगा के चोरा ही लाज हरम और पंचर ही लाज हरम राखी में चंपल हाथ में लेने नंगे पैर जाती बस मानी भागीदारी की मानी तो बटे माने बेवई नहीं दे आदमी और हमें माने बोलवई नहीं दे बटे आई भी नहीं सका न बोल ही नहीं सका और चंपल पहरे नहीं बटे निकल ही नहीं सका। बोला तो कह लगे आटे नहीं महिला मतलब नहीं बोलना ये तो सो बारह गम और सो रोज हाँ लगे नेटे बात नहीं करनी। मैं कलेक्टर महोदय से अपील करता हूं कि जिनके नंबर है 02952205036 कि ऐसे नियम और कानून बंद करें ताकि महिलाओं की समाज में उन्नति हो सके। शंभुराज तंवर देलोड़ा से इंडिया अनहट के लिए।